नाजरीन, आज हम आपको ऊँट के शरी अहकाम के बारे में बताएंगे। ऊँट का गोश्त हलाल है, चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद है, उहिलत लकुम बहीमातुल अनआम, तुम्हारे लिए चौपाए हलाल कर दिए गए। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है कि आपने अपने लिए ऊँट का गोश्त और उसका दूध हराम कर लिया था। तो ये उनका अपना इज्तिहाद और अपने नफ्स के लिए एक किरदार था। अहल इल्म इसका सबब ये बताते हैं कि आप देहात में रहते तो आपको अर्क निसा की शिकायत पैदा मालूम हुआ कि आपको ऊँट का गोश्त और उसका दूध नुकसानदेह साबित हो रहा है, चुनाचे उसे अपने लिए हराम करार देकर खाने पर पाबंदी लगा ली। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तकिल शरीयत है और हर नबी की शरीयत में मसाइली और जुज़वी इख्तलाफ भी रहा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट के गोश्त के बारे में दो किस्म की रिवायत हैं, इसलिए उलमाए उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो गया। अगर किसी का वुज़ू हो फिर वो उसके बाद ऊँट का गोश्त तनावल कर ले तो आया उसके वो वुज़ू बरकरार रहेगा या टूट जाएगा? उलमा की कसीर जमात का मज़हब है कि वुज़ू नहीं टूटेगा। यही मज़हब साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो में खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अली बिन अबी तालिब रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अबी बिन काब व अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू तला अंसारी व अबू अमामा बायली व आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वगैरह का है। और यही मज़हब जमूर तबीन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के तलामज़ा में से इमाम बैकी का है। और एक रिवायत के मुताबिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कदीम कौल यही था, दोनों मज़ाहब ऊँट के कुहान के सिलसिले में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से दोनों किस्म की रिवायत हैं कि जायज़ भी है और नाजायज़ भी। लेकिन ऊँट के दूध पीने के बारे में इमाम अहमद रहमतुल्लाह के तलामज़ा से दोनों वजह मरवी हैं, पिया भी जा सकता है और नहीं भी। मुअत्तन अबल, ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। अतन और अतान वो मकानात कहलाते हैं जहाँ पर ऊँट पानी वगैरह पी कर आराम करते हैं। एक रिवायत में है बर्रा बिन आज़िब से मनकूल है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू के बारे में मसला पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसके बाद वुज़ू कर लिया करो। फिर यही मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी के गोश्त के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसके बाद वुज़ू ना किया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट के बाड़ा में नमाज के बारे में सवाल किया गया कि आया वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऊँट के बाड़ा में नमाज ना पढ़ा करो, इसलिए कि वो शयातीन का ठिकाना बन जाती है। फिर यही सवाल बकरी के रहने की जगह के बारे में किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ इसमें नमाज अदा करो, इसलिए कि बकरियां मुबारक हैं। अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं।